नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। उन्होंने दिसंबर 2018 में कहा था कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति अर्थव्यवस्था के लिए भयावह होगी। सोमवार को उन्होंने फिर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिरता का सामना कर रही है, जल्द हालात सुधरने की उम्मीद नहीं है। साथ यह कहा कि मैं नोबेल की घोषणा के बाद सोने चला गया था। कुल मिलाकर अभिजीत ने ही कांग्रेस की 72,000 न्याय वाली योजना बनवाई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को हर साल न्याय योजना के तहत 72,000 रुपये देने का वादा किया था। इस योजना का शुरुआती खाका कई अर्थशास्त्रियों की मदद से बनाने के बाद राहुल गांधी ने अभिजीत से राय ली थी। अभिजीत बनर्जी ने उसमें तब्दीलियाँ कराई। अभिजीत ने कहा था बेसिक मिनिमम इनकम से लोगों के पास पैसा आएगा, इससे गरीबी हटेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बहरहाल शक्तिकांत दास को गवर्नर बनाने के लिए जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वह सही साबित हुई है। अर्थव्यवस्था के लिए वाकई इस समय बहुत गंभीर दौर है और अभिजीत बनर्जी की कही हुई बात इस समय सच साबित हो रही है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.